अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये एसक्यूएल सर्वर सीरीज का पार्ट 28 है। इसमें हम लेफ्ट जॉइन क्या होता है एसक्यूएल सर्वर में और इसको कैसे यूज़ करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पिछली वीडियो में फ्रेंड हमने देखा था कि इनर जॉइन क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एसक्यूएल सर्वर में चार तरह के जो है वो जॉइंस होते हैं, जिनको हम जो हमारे जॉइनिंग टेबल है उनसे डाटा लाने के लिए यूज़ करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने इनर ज्वाइन क्या होता है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम जो है वो लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेफ्ट ज्वाइन होता क्या है। तो फ्रेंड मान लीजिए हमारे पास ये एक टेबल वन है और ये एक टेबल टू है, और टेबल वन को आप कह लें कि ये हमारे पास लेफ्ट टेबल है और टेबल टू को आप कह लें कि हमारे पास राइट टेबल है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो टेबल वन है और टेबल टू है, या हमारे पास जो लेफ्ट टेबल है या राइट टेबल है, इन दोनों में से वो रिकॉर्ड आए जो इन दोनों में मैच करता है। एक चीज़ जो इन दोनों टेबल में रिकॉर्ड मैच करता है वो आए रिकॉर्ड, और दूसरा टेबल वन या आप इसे लेफ्ट टेबल बोल लें इसका सारा रिकॉर्ड आए जो नहीं भी मैच करता टेबल टू से। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, जिस टेबल को हम लेफ्ट ज्वाइन लेफ्ट टेबल बनाते हैं, ये क्या करता है उसका सारा रिकॉर्ड लाता है जो टेबल टू में मैच नहीं भी करता, लेकिन टेबल टू का वही रिकॉर्ड आएगा जो टेबल वन से मैच करता है। यह हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस टेबल को अगर हमने लेफ्ट टेबल बनाया है तो इसका तो सारा ही रिकॉर्ड आएगा, चाहे वो इसके साथ मैच करता है या नहीं करता, लेकिन इसमें से वही रिकॉर्ड आएगा टेबल टू में से जो टेबल वन के साथ मैच करता है। जो नहीं मैच करता वो टेबल टू में से नहीं आएगा अगर हमने लेफ्ट ज्वाइन को यूज़ किया है। चलिए मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। तो ये देखें, हमारे पास ये दो टेबल्स हैं जो हमने पिछली वीडियोज में आपको ज्वाइनिंग करना और इनर ज्वाइन वगैरह अप्लाई करना बताया था। ये हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है और ये हमारे पास एक एड्रेस का टेबल है। यहाँ पे हमने स्टूडेंट के जो एड्रेस है वो एक अलग टेबल में सेव करवाए हुए हैं और इस टेबल को हमने इसके साथ लिंक किया हुआ है। इसमें इस टेबल में हमारे पास हमने इसको प्राइमरी की सेट किया था और इस टेबल में हमने ए आई डी मतलब एड्रेस आई डी वाले इस कॉलम को जो है वो प्राइमरी की सेट किया था। और आप देखें इस कॉलम की वैल्यू जो है वो इस एड्रेस में हमने सेव करवाई हुई है। इसको हमने ये जो हमारे पास एड्रेस का कॉलम है इसको हमने फॉरेन की सेट किया हुआ है और हम जो है वो इस कॉलम को मैच करते हैं इसके साथ कि वो रिकॉर्ड लाओ जो इन दोनों में मैच हो रहा है। तो लेकिन अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन को यूज करता हूँ तो वो क्या करेगा, वो इन दोनों टेबल में से इस टेबल को अगर मैं लेफ्ट टेबल मानता हूँ तो इस टेबल का सारा ही रिकॉर्ड लाएगा, लेकिन इस टेबल में से वो रिकॉर्ड आएगा जो इस टेबल के साथ मैच होता है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे एक अगर हम मैंने इसको लेफ्ट ज्वाइन इस टेबल पे इस टेबल को लेफ्ट टेबल बनाया है और लेफ्ट ज्वाइन इस पे यूज किया है तो इस पे एक देखें 6 नंबर पे आईडी है इसकी, यहाँ पे एड्रेस की आईडी मिसिंग है। तो ये जब मैं लेफ्ट ज्वाइन को यूज करूंगा तो ये क्या करेगा, ये इस टेबल का देखें इसकी आईडी चूंकि मिसिंग है अभी तो ये इसका सारा डाटा लाएगा चाहे आईडी मिसिंग हो या ना हो, लेकिन इसमें से वही रिकॉर्ड आएगा जो इसमें से मैच होता है। जैसे कि देखें 4 है आईडी और 6 है, 5 आईडी नहीं है, 7 भी इधर कहीं नहीं सेव, तो इस टेबल में से 5 और 7 रिकॉर्ड नहीं शो करेगा। ठीक है जी, तो इसको हम इन दोनों कॉलम को मैच करेंगे और वो मैचेज रिकॉर्ड भी लाएगा और साथ में हमने जिस टेबल को लेफ्ट टेबल बनाया होगा उसका सारा डिटेल जो है वो लाएगा जो लेफ्ट ज्वाइन है। ठीक है जी, तो अगर पिछली वीडियो में मैंने आपको इनर ज्वाइन बताया था, अगर हम इस केस में उस ज्वाइन को यूज करें तो वो क्या करता है, वो उन दोनों टेबल्स में जो मैच रिकॉर्ड है ना वो ही लाता है, जो मैच नहीं है वो नहीं लाता। जैसे कि अगर यहाँ पे आईडी मिसिंग है तो ये वाला रिकॉर्ड नहीं लाएगा अगर वो अगर हमने इनर ज्वाइन यूज किया है। तो लेफ्ट ज्वाइन के केस में जिस टेबल को हमने लेफ्ट बनाया होता है उसका सारा ही आता है चाहे वो इस टेबल के साथ मैच हो या ना हो। अब लेफ्ट टेबल को हम कैसे सेट करते हैं कि कौन सा हमारा लेफ्ट टेबल है और कौन सा राइट टेबल है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम एसक्यूएल सर्वर में इसको लिखते कैसे। तो सबसे पहले आपने लिखना होता है सिलेक्ट, उसके बाद लिखना होता है आपने कॉलम्स। अगर आपने कुछ कॉलम्स सिलेक्ट करने हैं दोनों टेबल में से जो आपने ज्वाइन किए हैं तो आप कॉलम के नेम देंगे। अगर आपने दोनों टेबल का सारा डाटा सिलेक्ट करना है तो आप इधर स्टार भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने देना फ्रॉम, उसके बाद आपने देना अपने पहला टेबल वन जो आपका पहला टेबल जिसका नेम मतलब जो भी आपका पहला टेबल वो देना। उसके बाद आपने लिखना है लेफ्ट ज्वाइन।
यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं, लेफ्ट ज्वाइन से पहले आपने जो भी टेबल का नेम दिया होगा वही लेफ्ट टेबल कंसीडर होगा। फिर बताता हूँ, ये देखिए मैंने लेफ्ट ज्वाइन लिखा लेकिन इसके पहले टेबल का नेम मैंने बता दिया, तो यही हमारा लेफ्ट टेबल है। अगर आप ये वाला नेम पहले यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जो भी आपका टेबल टू का नेम है, तो वो फिर लेफ्ट टेबल माना जाना था। ठीक है जी, तो अब हमारा टेबल बन गया लेफ्ट। उसके बाद हमने लिखा लेफ्ट ज्वाइन। अब दूसरा टेबल जिसके साथ इसको लिंक किया हुआ है आपने, उसका नेम देंगे। उसके बाद आप ऑन देंगे, ऑन कीवर्ड, ऑन के बाद ये ऑन क्लास भी बोलते हैं इसको। ऑन के बाद आपने कौन से इस टेबल के टेबल वन डॉट, इसके बाद इस टेबल का कौन सा कॉलम जिसको आपने फॉरेन की सेट किया वो देंगे आप, और इसको मैच किसके साथ करेंगे, इक्वल टू लगाने के बाद आप लिखेंगे टेबल टू ये वाला टेबल, और इसका डॉट लिखने के बाद इस टेबल में कौन सा प्राइमरी की अपने कॉलम सेट किया है वो वाला आप देंगे। ठीक है जी, इस टेबल का आपने फॉरेन की देना है, इस टेबल का आपने प्राइमरी की देना है। तो इसको आप कंडीशन के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर किसी लेफ्ट ज्वाइन को यूज करना चाहते हैं कंडीशन के साथ, तो आप यहाँ पे एंड पे वेयर के साथ कंडीशन भी अपनी दे सकते हैं। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, अब इस टेबल का टेबल वन को देखें, ये लेफ्ट ज्वाइन से पहले, तो ये टेबल वन का तो सारा डाटा लाएगा, चाहे वो इसके साथ मैच होता है या नहीं होता इस टेबल का, लेकिन टेबल टू में से वही डाटा लाएगा जो टेबल वन के साथ मैच होता है, जो हमने फॉरेन की सेट किया हुआ कॉलम और प्राइमरी की सेट किया, ये दोनों आपस में कंपेयर होंगे। चलिए मैं आपको एसक्यूएल सर्वर में इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये फ्रेंड मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लिया, ये हमारे पास स्टूडेंट्स नाम की डेटाबेस है, इसमें हमने दो टेबल्स बनाए थे, जिस टेबल को हमने आपस में फॉरेन की के जरिए लिंक किया था अपनी पिछली वीडियोज में। ये देखिए हमारे पास एक स्टूडेंट्स का टेबल है और एक एड्रेस का टेबल है। चलिए मैं न्यू क्वेरी पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास इन टेबल्स में कौन सा रिकॉर्ड है और किस टेबल को हमने फॉरेन की और प्राइमरी की सेट की है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, जो कि हमारा पहला टेबल है। सिलेक्ट, मैं कहता हूँ स्टार फ्रॉम, हमारे टेबल का नेम है जी स्टूडेंट्स। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको इधर से आपने डेटाबेस लाजमी सिलेक्ट करनी है जिस डेटाबेस में आपके ये टेबल है। चलिए मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। इस टेबल में हमारे पास ये देख लें, ये रिकॉर्ड है और इसमें हमने एक एड्रेस आईडी वाले को फॉरेन की सेट किया हुआ था कॉलम को, और इसको हमने लिंक किसके साथ किया हुआ है जी, मैंने एक न्यू क्वेरी में एक और विंडो ओपन कर लेता हूँ, इसको हमने लिंक किया हुआ था जी हमारा एड्रेस टेबल जो है, उसमें मैं आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। मैंने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, दूसरा टेबल हमारा कौन सा है जी एड्रेस वाला, ये वाला, तो मैं ये लिखूंगा एड्रेस। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ इसमें हमारे पास कौन सा रिकॉर्ड है। तो इसमें हमारे पास ये कुछ एड्रेस सेव है, और ये वाला ए आई डी मतलब एड्रेस आई डी, इसको हमने प्राइमरी की सेट किया हुआ था, और यही वाली कीज हमने जो है वो जो आई डीज हैं वो हमने इस टेबल में एड्रेस आई डी वाले में स्टोर करवाई हुई है। चलिए मैं एक और विंडो ओपन कर लेता हूँ, वहां पे मैं आपको ये ज्वाइन करना बताता हूँ। चलिए जी मैं लिखता हूँ जी सिलेक्ट, अभी मैं सारा ही लिखूंगा सिलेक्ट, मैंने स्टार लिखा, सारे दोनों टेबल का सारा डाटा लिया है, सिलेक्ट स्टार, उसके बाद मैंने लिखा फ्रॉम पहले टेबल का नेम, पहला टेबल जिसको हमने लेफ्ट टेबल सेट करना है। तो पहले टेबल का नेम हमारा क्या है जी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट इसका तो सारा डाटा ले आए ना वो पहले चीज। ठीक है जी, इसको मैं ज्वाइन किसके साथ करूंगा, अब कौन सा ज्वाइन मैं यूज करने जा रहा हूँ, लेफ्ट ज्वाइन, मैंने लिखा लेफ्ट ज्वाइन। अब लेफ्ट ज्वाइन कौन से टेबल के साथ इसको ज्वाइन करना है, ये जो हमारा एड्रेस टेबल वाला है, तो ये आ गया टेबल टू, इसके साथ ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद मैंने लिखना है ऑन कीवर्ड, ऑन क्लास भी इसे बोलते हैं, ऑन के बाद अब इस टेबल के स्टूडेंट वाले टेबल के कौन से कॉलम को मैंने फॉरन की सेट किया है। तो ये देखिए हमारे पास ये स्टूडेंट का टेबल है, इसमें हमने इस एड्रेस आईडी वाले को फॉरन की सेट किया है, तो वो लिखेंगे। सबसे पहले टेबल का नेम लिखूंगा मैं, उसका कॉलम फेच करने के लिए मैंने लिखा स्टूडेंट टेबल डॉट इसका एड्रेस आईडी इक्वल, अब इन दोनों को मैं मैच कर रहा हूँ इक्वल। अब एड्रेस आईडी में मैंने किस कॉलम को प्राइमरी की सेट किया है, ये वाला हमारा एड्रेस टेबल है, इसमें हमने ए आई डी वाले कॉलम को प्राइमरी की सेट किया है, तो यही मैं इधर दूंगा। सबसे पहले टेबल का नेम हमारा है जी एड्रेस डॉट इसका कौन सा ए आई डी वाला। चलेंगे अब मैं इसको, अब मैंने लेफ्ट ज्वाइन यूज किया, अब मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो ये देखें दोनों टेबल का सारा डाटा आ रहा है, ठीक है जी, ये सारी डिटेल दोनों स्टूडेंट की आ रही है। चलिए इधर मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, हमारे पास एड्रेस, ये देखिए दोनों टेबल्स की
डिटेल आ रही है। एक चीज अगर आप नोट करें तो इधर देखें हमारे पास 1, 1, 2, 2, 3 यहाँ तक आईडी सेव है, लेकिन हमारे पास एड्रेस वाले टेबल में 4 तक आईडी है। तो 4 वाली आईडी जो है हमारी वो इसने नहीं शो की। क्यों नहीं की? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वही रिकॉर्ड आता है जो इन दोनों टेबल में मैच करता है। और साथ में अगर हमने लेफ्ट ज्वाइन यूज किया है तो ये हमारा लेफ्ट टेबल बन जाएगा, क्योंकि ये इससे पहले लिखा हुआ है हमने, तो इस टेबल का सारा लाएगा। लेकिन अभी क्योंकि आईडी को मिसिंग नहीं है, चले मैं आपको एक आईडी मिस करके दिखाता हूँ। मैं अभी के लिए अल्टर कमांड भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको आने वाली वीडियो में वो डिटेल में बताऊंगा अल्टर कमांड का। अभी के लिए मैं एसक्यूएल कमांड के जरिए ही मैं स्टूडेंट टेबल पर राइट क्लिक करता हूँ, डिजाइन में चलता हूँ। यहाँ पे डिजाइन पे चला गया, इसको चले नल लेबल तो हो गया। यहाँ से आपने नल लेबल कर देना, नल लेबल का मतलब ये नल वैल्यू भी स्टोर करेगा। अभी चूंकि पहले मेरा मैंने अलाउ नल कर दिया है, इसे अब ये नल वैल्यू ले सकता है। ठीक है जी, नल ले सकता है। अब इधर से मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब इसका मैं इसमें से स्टूडेंट, यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ, एडेड टॉप 200 रोज करता हूँ। यहाँ से हमारे पास ये जो एड्रेस आईडी वाला कॉलम है, यहाँ से मैं कोई एक दो आईडी मिस कर देता हूँ, जैसे कि ये 2 नंबर वाली आईडी मिस कर दी मैंने, और ये 1 नंबर वाली आईडी भी मैंने मिस कर दी। अब क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि इस टेबल को आपने जो है ना वो फॉरेन की सेट किया हुआ है, सॉरी इस कॉलम को आपने फॉरेन की सेट किया हुआ है, तो इसको आप ऐड नहीं करते। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से इसे अभी के लिए बंद कर देता हूँ और दोबारा स्टूडेंट वाले टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करना है इस पर, यहाँ से डिजाइन पे चले जाना है आपने। हमने इस कॉलम को एड्रेस आईडी वाले को फॉरेन की सेट किया है, इस पर राइट क्लिक करें, रिलेशनशिप्स पे चले जाएं। यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये फॉरेन की सेट है, तो इधर से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया, अब मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, तो जी हाँ यस कर देता हूँ, तो ये हमारे पास सेव हो जाएगा। अब सेव हो चुका है, अब हम जो है वो इसे नल लेबल बना के दिखाता हूँ। मैं राइट क्लिक करूंगा स्टूडेंट नाम के इसी टेबल पे और इसको एडिट कर दूंगा। यहाँ से मैं कुछ आईडीज अब डिलीट करूंगा, तो अब हमारी आईडीज डिलीट हो जाएंगी। जैसे कि मैंने एक ये वाला रिकॉर्ड की आईडी डिलीट कर दी, हमने उसे नल भी सेट कर दिया, तो ये अभी क्यों नहीं कर रहा? डाटा टाइप इंट है जी इसका। अच्छा, वो कह रहा है कि इसकी डाटा टाइप इंटीजर है, तो इसको ये मसला बन रहा है। चले मैं इसको भी यही रहने देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, इधर स्टूडेंट वाले टेबल पे राइट क्लिक करता हूँ, डिजाइन में चलता हूँ और इसकी मैं डाटा टाइप चेंज करके स्ट्रिंग डाटा टाइप कर देता हूँ, जैसे कि मैंने कर दिया वार का। चले अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इधर से इसको बंद कर देता हूँ। ये सारे काम मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ आईडी मिस करना चाह रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि लेफ्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड ही आएगा अगर आईडी मिस भी हो गई। चलिए अब मैं आईडी को मिस, अब मैंने इसकी डाटा टाइप भी चेंज कर दी है और फॉरेन की को भी खत्म कर दिया है, नल भी इसे बना दिया है। अब मैं इसको डिलीट करके देखता हूँ। मैंने इसकी ये आईडी रिमूव कर दी, तो देखें अब हो चुकी है, और इसकी भी मैंने रिमूव कर दी है। चलिए अब 2 आईडीज मैंने रिमूव कर दी हैं। अब चलते हैं इस, अब देखें मैं आपको अगर इतना ही जो है वो चलिए अब मैं लेफ्ट ज्वाइन, अब देखें 2 अभी हमारे पास सारे रिकॉर्ड। अब मैं जो है इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें हमारे पास ये जो 2 आईडीज मिस है उसका भी रिकॉर्ड आ रहा है सारा। ये देखें इधर से क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने लेफ्ट ज्वाइन का यूज किया है। तो देखें इस आईडी, इसकी भी आईडी हमने डिलीट की है अभी, और इसकी भी हमने आईडी डिलीट की है, लेकिन रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन राइट टेबल में से वही रिकॉर्ड आ रहा है जो मैच रिकॉर्ड है। तो ऐसे आप लेफ्ट ज्वाइन को यूज कर सकते हैं। आप देखें इसकी जगह अगर मैं आपको इनर ज्वाइन लिख कर दिखाता हूँ, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था इनर ज्वाइन, तो ये क्या करेगा, अब ये दोनों रिकॉर्ड को नहीं लाएगा, क्योंकि ये वही रिकॉर्ड आता है जो मैच होते हैं। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखें मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, वो देखकर 2 रिकॉर्ड जो नल थे हमारे पास, जिनकी आईडीज नहीं थी, तो वो रिकॉर्ड नहीं लेके आया। अब लेकिन मैं आपको लेफ्ट करता हूँ, तो लेफ्ट का मतलब इससे पहले हमने ये वाला लिखा है, तो इसका सारा डाटा ही आएगा, चाहे वो इसके साथ मैच हो चाहे ना हो। चलिए मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे साइड पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। तो ये देखें इस टेबल का लेफ्ट वाले का सारा एड्रेस आईडी भी, एक सारा डाटा आ रहा है जो कि इसके साथ मैच नहीं भी कर रहा। तो ऐसे हम जो है वो लेफ्ट ज्वाइन को यूज करते हैं। इस टेबल का सारा ही डाटा आ रहा है, इसका मैचिंग ही आ रहा है जो मैच कर रहा है इसके साथ। 1 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, फिर 1 मैच कर रहा है, 4 मैच नहीं कर रहा, जो कि 4 आईडी इसमें प्रेजेंट है, तो वो इसने नहीं लाया। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका आप शॉर्ट नेम भी यूज कर सकते हैं अलाइज। देखिए जैसे कि मैं स्टूडेंट का शॉर्ट नेम बना देता हूँ कि एस, और एड्रेस का मैं शॉर्ट नेम बना देता हूँ ए। और अब मैं इन टेबल्स के नेम
ये वाले यूज करने के बजाय मैं अब इनको यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा एस और एड्रेस का मैंने शॉर्ट नेम क्या बना लिया, टेम्परेरी नेम इसे बोलते हैं ए। अब भी हमारा काम सेम ही करेगा। चलिए मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब देखें, अब ये दो एड्रेस आईडी वाला और ए आईडी वाला, ये हमने जो है दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए काम किया है। ये हमारा लॉजिक है, लेकिन हम इसको क्यूरी में शो नहीं करते। अब हम जो है वो इस कॉलम को कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, मैं इधर से अब स्टार के बजाय मैं कॉलम्स के नेम लिखूंगा। चलिए मैं इसे नीचे ले जाता हूँ। अब स्टार स्टूडेंट पहले टेबल में से मैंने आईडी भी शो करवानी, नेम, एज, क्लास, ये तीन चार कॉलम हम मैंने शो करवाने हैं। तो इसका शार्ट नेम मैंने एस बनाया, तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट एस डॉट, सिर्फ आईडी करो सिलेक्ट एस डॉट, फिर जो है वो नेम भी करो सिलेक्ट कोमा एस डॉट, इसकी जो है वो एज भी करो कोमा एस डॉट, जो है वो क्लास भी करो। ये इस टेबल में से सिर्फ ये चार कॉलम ही सिलेक्ट करो, एड्रेस आईडी वाले मैंने नहीं बताया। और इस टेबल में से मैं सिटी, टाउन और स्ट्रीट ही सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो कॉमा डालूंगा। तो इस एड्रेस टेबल का मैंने टेम्परेरी नेम क्या लिया, शॉर्ट नेम ए लिया है, तो मैं इसको यूज करूंगा ए डॉट। मैं कह रहा हूँ कि इसका आईजी पहले सबसे सिटी है, कॉमा ए डॉट, इसके बाद इसका सिलेक्ट करो स्ट्रीट, या आप टाउन भी कर सकते हैं। पहले चले मैं टाउन कर देता हूँ, डॉट टाउन कोमा ए डॉट, उसके बाद मैंने कह दिया स्ट्रीट। अब यही कॉलम्स लेके आएगा, दोनों टेबल में से सारा डाटा नहीं लेके आएगा। चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये मैंने एग्जीक्यूट किया, आप देखें वो दो कॉलम्स हमारे रिमूव हो चुके हैं, लेकिन लेफ्ट टेबल का अभी भी सारा रिकॉर्ड ही आ रहा है जो नल भी है। ठीक है, आप इसको आप कंडीशन की बेस पे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ वेयर, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि किसी भी कॉलम पे आप कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे कि मैं लगा रहा हूँ जिनके सिटी जो है वो इस्लामाबाद है, चलिए मैं ये कह देता हूँ वेयर। अब सिटी किस टेबल में है, हमारे एड्रेस वाले में, तो एड्रेस का हमने शॉर्ट नेम टेम्परेरी नेम क्या बनाया ए, तो मैं इसको यूज करूंगा वेयर ए डॉट, इसके बाद मैं लिखूंगा सिटी इज इक्वल टू, सिंगल कोट्स में दूंगा क्योंकि स्ट्रिंग डाटा टाइप है, जिनकी सिटी जो है वो इस्लामाबाद है, ये वाली। अब वही रिकॉर्ड आएगा जिनकी सिटी इस्लामाबाद है, एग्जीक्यूट करूंगा इसको, तो ये देखिए हमारे पास एक ही ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी सिटी जो है वो इस्लामाबाद है। ऐसे ही इसको मैं अगर लाहौर कर देता हूँ तो वही रिकॉर्ड आएगा जिनकी सिटी लाहौर है। चले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैं आपको सारा रिकॉर्ड सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, तो ये सारा आ गया। अब देखो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ, मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में करना चाहता हूँ। आप ऑर्डर बाय प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, ऑर्डर बाय कमांड भी यूज कर सकते हैं। मैंने कहा ऑर्डर बाय किसके, किसको आप ऑर्डर बाय करना चाह रहे हैं, मैं नेम को करना चाह रहा हूँ। तो नेम हमारा किस में, स्टूडेंट वाले टेबल में। स्टूडेंट का टेम्परेरी नेम हमने क्या सेट किया एस, तो मैं लिखूंगा एस डॉट, इसका नेम को जो है वो ऑर्डर बाय कर दूँ, तो इसको ऑर्डर बाय भी कर देगा। अब देखें पहले ए, फिर ए वाले बी, फिर ऐसे बी तो है नहीं, सी डी ई एफ जो आएगा ऐसे ए टू जेड तक, वो इसको सॉर्ट कर देगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं एसक्यूएल सर्वर में। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।